Oh, those Russians. Oh, those Russians. कुछ याद है आपको? ये एक्चुअली बोनियम का एक गाना था ना, रा रा रास्पुटीन लवर ऑफ द रशियन क्वीन. उसमें एंड में एक बड़ी डीप वॉइस में एक आदमी बोलता था, ओ दोज रशियंस. और वो इसलिए बोलता था क्योंकि वो ऑब्वियसली रशियंस को क्रिटिसाइज करता था. आप सुबह से जब से मैंने मिस्टर नादव लिपिड लपेट लिपिड तो कुछ प्रोफाइल होता है, नादव लपिड के बारे में सुना, जिन्होंने जो शायद इफी ये जो फेस्टिवल होता है गोवा में, इसके ज्यूरी के चीफ थे, इन्होंने स्टेज पे जाके बड़ी अथॉरिटी से कहा कि कश्मीर फाइल्स इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म, इट्स एन अनट्रू स्टोरी और एक बहुत ही वल्गर फिल्म है. तो मैं बड़ा क्यूरियस हुआ कि जानने के लिए कि भाई ये मिस्टर नादव लपीट साहब हैं कौन. तो मैंने क्या किया कि गूगल देवता को प्रणाम किया और गूगल पे गया. जैसे ही मैंने गूगल पे मैं गया और मैंने इनके बारे में और इनकी पुरानी व्यूज के बारे में पढ़ा, मुझे पता चल गया कि भाई ये तो एक लेफ्ट लिबरल है. और लेफ्ट लिबरल होना कोई गाली नहीं है, लेकिन आजकल ये गाली के ही बराबर हो गई है, जिनको मैं कहता हूं ओ दोज लिबरल्स. मतलब जैसे ही पता चलता है कि आदमी लेफ्ट लिबरल है, उसका पूरा पॉलिटिकल प्रोफाइल, उसका किस चीज पे क्या स्टैंड होगा, ये मेरे सामने जैसे कहते हैं ना साक्षात भगवान की तरह खड़ा हो जाता है. देखिए, लिबरल का मतलब ये नहीं होता कि मैं हर चीज को एक बड़ी लिबरल और बड़े कहना चाहिए रैशनल तरीके से देखता हूं. नहीं, एक्चुअली इंग्लिश डिक्शनरी में यही होता होगा, लेकिन आजकल की लिबरल की दुनिया में नहीं होता. लिबरल का मतलब वो होता है कि आप ये स्ट्रेटेजिक पोजिशन लें ये देखकर कि जो आदमी कुछ कर रहा है या कह रहा है वो है कौन. दरअसल आपकी किसी व्यू पे कोई न्यूट्रल व्यू नहीं होती, किसी भी चीज पे, किसी भी इंसिडेंट पे कोई न्यूट्रल व्यू नहीं होती. यू डोंट हैव अ स्टैंड ऑन एनीथिंग, यू चेंज योर स्टैंड, यू ओनली हैव स्ट्रेटेजिक पोजिशंस, देख करके कौन है जो बोल रहा है. मतलब अगर एक एक क्राइम हुआ व्हाइट मैन ने किया तो उसमें मुझे क्या पोजिशन लेनी है, ब्लैक मैन ने किया तो मुझे उस पर क्या पोजिशन लेनी है. क्राइम क्या भाड़ में, व्हाइट मैन द्वारा किया गया क्राइम और ब्लैक मैन द्वारा किया गया क्राइम बराबर नहीं है, क्योंकि मैं एक लिबरल हूं. मैं देखता हूं कि व्हाइट ने किया तो क्राइम क्राइम है, ब्लैक ने किया तो मैं नहीं मानूंगा कि वो क्राइम है. सिमिलर विद जेंडर, मैन कोई चीज करे अलग, वुमन सेम चीज करे अलग, क्योंकि मैं लिबरल हूं. अगर एक आदमी ने एक लड़की को देखा और सीटी मार के कहा क्या माल है, ऑब्जेक्टिफिकेशन है, अंदर करो इसे. अगर वुमन ने एक आदमी को देखा और कहा वाह इट्स सो हॉट, फेमिनिस्ट है, प्रोग्रेसिव वुमन है, स्टैंड किसी चीज पे सेम नहीं होगा, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस होंगी. मेजॉरिटी कोई कहे अलग स्टैंड, माइनॉरिटी कोई कहे अलग स्टैंड, हिंदू को कहे अलग स्टैंड, मुस्लिम कहे अलग स्टैंड. कश्मीर में अगर मुस्लिम पे कोई, कश्मीरी मुस्लिम्स पे कुछ अट्रोसिटीज हो रही हैं अलग स्टैंड, कश्मीरी पंडित्स पे हो रही हैं अलग स्टैंड. अट्रोसिटीज से हमको मतलब नहीं है, हमारे स्टैंड्स ये देखते हैं कि कर कौन रहा है भाई, व्हाइट कर रहा है, ब्लैक कर रहा है, हिंदू कर रहा है, मुस्लिम कर रहा है, मैन कर रहा है, वुमन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, गल्फ कंट्रीज कर रही हैं. हम उस पे देख के अपना स्टैंड बनाते हैं, हम क्राइम को देख के स्टैंड नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम लिबरल हैं. और इसीलिए मैं कहता हूं इनको बार बार देख के, ओ दोज लिबरल्स, इनकी बात कब सीरियसली कभी मत लीजिए, नेवर एवर टेक देम सीरियसली. ये सब पेड प्रोपगैंडिस्ट्स हैं, ये पहले अपना स्टैंड बनाते हैं, उसके बाद चीज पे अपना ओपिनियन देते हैं. भगवान के लिए इन किसी को, इन इन टाइप के किसी भी लोगों को बिल्कुल भी सीरियसली मत लीजिए, इनकी चीजों को एंजॉय करिए और खुश रहिए. थैंक यू.